पाकिस्तान यूथ पीस मूवमेंट में सूबाई सदर और सूबाई जनरल सेक्रेटरी के इंतखाब के लिए क्विटा प्रेस क्लब में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया गया, जिसमें सूबाई सदर डॉक्टर नूर मोहम्मद और सूबाई जनरल सेक्रेटरी नसीबुल्ला कामयाब रहे। नए मुंतखब होने वाले सूबाई सदर डॉक्टर नूर मोहम्मद और सूबाई जनरल सेक्रेटरी नसीबुल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे ये इस प्रोग्राम का कवरेज की है। आज जो हमारा इलेक्शन यहाँ पर हुआ तो ये 5 रीजन का इलेक्शन था, जिसमें हर रीजन से जो है 12 बंदे वहाँ पर उम्मीदवार थे जो कामयाब होके आए हैं। तो उनमें से ये कांटेदार मुकाबला था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं दोस्तों की हिम्मत से जो है सूबाई सदर के लिए मुंतखब हो गया हूँ। दोस्तों ने बहुत तआवुन किए मेरे साथ और इंशाल्लाह पाकिस्तान यूथ पीस मूवमेंट के जानिब से मैं इस पार्टी में एक अपना सदारती आगाज़ करूँगा और जितने हमारे यहाँ बलूचिस्तान में मसले मसाइल है और हमारे पार्टी में जो जितने भी अहदेदार इंशाल्लाह है उनके साथ भरपूर मेहनत और तआवुन करूँगा। मज़ीद जो भी मसले मसाइल होंगे पार्टी के अंदर इंशाल्लाह इससे और भी बेहतर करेंगे। अमन और नौजवानों को प्रमोट करना, इनको जो है सपोर्ट देना। आप देख रहे हो कि बलूचिस्तान तो से आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि वो सरदारी निज़ाम और हमारे जो बलूचिस्तान के नौजवान इनको प्रमोट करें और उनको आगे लाए। इंशाल्लाह इसके साथ हर तरह का तआवुन हम लोग करेंगे, तालीम को तरजीह देंगे और इंशाल्लाह जो हमारे साथी हजरात इसमें पार्टी में हैं इंशाल्लाह जो बेरोज़गार है उसके लिए रोज़गार फराहम करेंगे। जो भी तआवुन हो सका पार्टी की तरफ से पाकिस्तान यूथ पीस मूवमेंट की तरफ से इंशाल्लाह हम हर तआवुन करेंगे। मैं मीडिया वालों का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारी रिकॉर्डिंग की और उसके अलावा और तमाम हमारे दोस्त आए हुए थे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ हमें सपोर्ट की और हमें इंतखाबात में जिताया। इसके अलावा इंशाल्लाह हम लोग कौम के लिए खिदमत करेंगे, कौम पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। और भी जो पार्टी की तरफ से हो गया और दूसरा इसके अलावा जो तंजीमें फोर्सेस हैं उनके साथ इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।